हाई गाइज ये है शॉर्ट रीडिंग अबाउट येस नो और मे बी आपका जो भी क्वेश्चन है आप उसके लिए देख सकते हो आंसर विल बी यस नो और मे बी आप यू कैन आस्क वन क्वेश्चन और मोर देन वन मैगजिमम थ्री ठीक है आप तीन अलग अलग कार्ड से आप तीन अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकते हो सो लेट्स स्टार्ट विद दार्ड नंबर वन आप अपना क्वेश्चन अपने माइंड में सोचो एंड लेट्स सी कि आपका आंसर क्या आता है इज इट यस नो और मे बी चलिए देखते हैं कार्ड नंबर वन के लिए क्या आंसर है वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स आपके लिए आंसर है गाइस यस येस जो भी आप चीज़ चाह रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगी लेकिन आपको उस चीज़ में थोड़ा सा इमोशनल होना बंद करना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिकल होना थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा प्रैक्टिकल से ज़्यादा यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग अगर आपको डिटामाइंड होना कि मुझे ये चीज़ मिलके ही रहेगी तभी वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी बिकॉज किंग ऑफ सोर्स जो है वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है और आपको थोड़ी सी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए लाइक यू शुड नो कि क्या है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है नेगेटिव पॉइंट्स तो एक पूरा ब्लू जो है वो रेडी होना चाहिए एक पूरा जो है एक आपके पास होना चाहिए उस चीज़ के बारे में आइडिया जो भी चीज़ है चाहे रिलेशनशिप है चाहे करियर वाइज है वो चीज़ें आपको मिलेगी बट आपको मेंटली एकदम डिटमाइंड होना पड़ेगा दैट येस yes, मैं वो चीज़ अचीव करके ही रहूंगा एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ही कैन अचीव एनी थिंग इन लाइफ एज लॉन्ग एज वो अ माइंड है अपने माइंड में ओके okay? चलिए देखते हैं फॉर द ग्रुप नंबर टू वॉट इज द आंसर येस और मे बी सो थिंक अबाउट योर क्वेश्चन ओके लेट्स सी ग्रुप नंबर टू आपके लिए कार्ड आया हैंग मैन सो यहाँ पे आई वुड नॉट से नो ओके आई वुड से वेट ओके फॉर यू आंसर इज़ वेट ये चीज़ इन फ्यूचर पॉसिबल होगी हो सकती है बट अभी वेट अभी इसमें जल्दबाजी मत करो बिकॉज अभी वो टाइम सही टाइम नहीं आया है कि आपको ये चीज़ मिल सके राइट right? बिकॉज अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी आपको बहुत कुछ समझना बाकी है आपकी हीलिंग बाकी है आपको बहुत कुछ जानना बाकी है इस चीज़ के बारे में रिसर्च करना बाकी है ओके okay? अभी शायद आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो इतने कि आपको डिवाइन वो चीज़ इस वक्त दें इन फ्यूचर दे सकते हैं यू कैन सी दैट इन माय नेक्स्ट रीडिंग ओके बट फिलहाल अभी वो सही टाइम नहीं आया है सो so वेट अभी अपनी नॉलेज को बढ़ाओ अभी उस चीज़ के बारे में और रिसर्च करो ओके हैव पेशेंस पेशेंस के लिए कहा जा रहा है आपको अभी ओके नाउ द थर्ड कार्ड चलिए अपना क्वेश्चन आप इमेजिन करिए माइंड में कि व्हाट इज योर क्वेश्चन एंड लेट्स सी आंसर वी हैव सेवन ऑफ वॉन्स सी इस चीज़ के बारे में आई बी लाइक कि ये चीज़ आपको तभी मिलेगी जब आप में उतनी स्ट्रेंथ होगी ओके लाइक आई वुड से इट्स अ मे बी फॉर दिस ओके बट यू कैन कन्वर्ट इड इन टू येस अगर आप इस चीज़ के लिए माइंड हो तो बिकॉज सब लोग अगेंस्ट हैं आपके सब लोग लाइक पॉइंट आउट कर रहे हैं आप पे सब लोग लड़ने को तैयार बैठे हैं जैसे कि ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होता है कि आपको कॉम्पिटिशन है आपका इतारे लोगों के साथ और आपको उसमें एक अलग से निकल के आना है या कोई रिलेशनशिप है आपका जहाँ पे सब लोग अगेंस्ट है फैमिली अगेंस्ट है उसकी फैमिली अगेंस्ट है और आप फिर भी यू नो यू वांट टू मैरी दिस पर्सन सो यहाँ पे ना स्ट्रॉग रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप अगर यहाँ पे ये पर्सन अपना वॉन्ड गिरा के चला गया नीचे तो मतलब गिव अप कर दिया तो अगर आप गिव अप नहीं करते हो डेफ़िनेटली आप इस चीज़ को अचीव कर लोगे कि आपका कोई ड्रीम है कि मेरे को ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए मुझे ये बिज़नेस करना ही करना है मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए, चाहिए अगर आप उतनी मेहनत करते हो उतने रिटरमाइंड हो तो आप इस चीज़ को डेफिनेटली अचीव कर लोगे इट ऑल ऑन यू इट्स ऑल ऑन यू ओके कि आप कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हो कितने ज़्यादा आप में स्ट्रेंथ है बिकॉज टफ़ तो रहेगा ये जो जर्नी रहेगी आपकी इस चीज़ में ईजी नहीं रहेगी बहुत टफ रहेगी बट क्या आप चाहते हो ये चीज़ एक्चुअली में आप मोटिवेटेड हो इस चीज़ को पाने के लिए और आप गिव अप तो नहीं करोगे इन द इन मिडल तो ये चीज़ आपकी है ओके okay? पर आप गिव अप कर जाते हो फिर ये चीज़ आपसे दूर चली जाएगी सो इट्स ऑल ऑन यू गाइज फॉर मी राइट नाउ इट्स अ मे बी Okay, but you can convert into yes with your own strength and your power. Okay, guys, like, share, subscribe. Thank you.